खबर है। राजगढ़ जिले से महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में त्रिवेणी घाट पर एक दिवस की कथा शिव विवाह का आयोजन कथावाचक प्रकाश शर्मा के मुखारविंद से आयोजित किया गया। नवग्रह शनि मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर व शिव मंदिर त्रिवेणी घाट पर ब्यावरा जनपद अध्यक्ष जगदीश गुर्जर ने निर्माण हेतु 8 लाख रुपए की घोषणा की। आसपास के क्षेत्रवासियों की समितियों का सहयोग से महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यों का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी किया गया। आयोजक समिति जेतमाल नेता जोगमाल पटेल राजपुरा व ओम प्रकाश शर्मा, गंगा सिंह पंडा काशीराम व सीमा दीदी का महत्वपूर्ण सहयोग से धार्मिक कार्यों का आयोजन किया गया। यहां पर शनिश्चर अमावस्या, सोमवती अमावस्या एवं पूनम पर श्रद्धालुवासी स्नान करने के लिए त्रिवेणी घाट पर दूर दूर से चलकर आते हैं। राजधानी समाचार से जिला संवाददाता रघुवीर, आज त्रिवेणी घाट पे खड़े हैं और यह भगवान का मंदिर है और नवग्रह की स्थापना है और पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी और भगवान शंकर का प्राचीन जैन मंदिर अभी कुछ दिन पहले बना है और यहाँ हर अमावस पूनम और चौदस पे यहाँ लोग उज्जैन नहीं जाते हुए, आवली घाट नहीं जाते हुए यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। इलाहाबाद के बाद में यहाँ त्रिवेणी संगम है और यहाँ की समिति और आसपास के क्षेत्रवासियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो यहाँ धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन बार बार हर साल महीने में चलता रहता है और बड़े बड़े यहाँ मंदिर निर्माण भी हो रहे हैं, इसमें सभी का योगदान बढ़ चढ़ के है। हम गुरु जी से पूछना चाहेंगे कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और जैसे 3 रात्रि होती है, शिवरात्रि, नवरात्रि और कालरात्रि, इनके बारे में विस्तार पूर्वक मीडिया के माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएं कि इन तीनों रात्रियों का महत्व विशेष क्या होता है। तीनों रात्रियों का विशेष महत्व होता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस रात्रि में अनेक भगवान को प्रसन्न करने के अनेक उपाय किए जाते हैं और ये रात्रियाँ महान होती है। भगवान शिवरात्रि जो है, भगवान शिव का विवाह हुआ था शिवरात्रि को और जो दीपावली पे उसको कालरात्रि मानी जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। ये सभी रात्रियाँ जो है महत्वपूर्ण है और सभी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजन पाठ भी किया जाता है। लालू, जैसे कि आज शिवरात्रि का महत्वपूर्ण, आज जो विशेष शिवरात्रि मनाई जाती है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आज शिवरात्रि का महत्वपूर्ण महत्व क्या है? महत्व यह है, माता शिवजी और पार्वती जी का पूजन किया जाता है और जगह जगह अभिषेक होते हैं और उनका जो भोलेनाथ के बारात निकाली जाती है, यही महत्व है। और अनेक इसमें जो जो भी क्रिया की जाती है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान प्रसन्न होते हैं और वो फल देते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवरात्रि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस दिन भगवान शंकर की कई जगह ये कथा भी चलती है, शिव विवाह की कथा भी चलती है और आसपास उनका की बारात सजा के जुलूस भी निकाला जाता है। और कई जगह जैसे कि आज सुबह से कार्यक्रम का आयोजन पूरे क्षेत्र में जिले में रखा गया है। कहीं पे 24 घंटे की रामायण बिठाई है, कहीं पे श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है, कई जगह भंडारे का आयोजन किया गया है। ऐसे से कई पौराणिक और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बहुत सारी मान्यता है और मान्यता के हिसाब से जिसकी जितनी श्रद्धा उतना बड़ा कार्यक्रम होता है। और यहाँ त्रिवेणी घाट का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ महीने न तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ ना कुछ होता रहता है और यहाँ की समिति के हम सदस्यों से भी पूछना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छे कार्यक्रम यहाँ बार बार करते रहते हैं। और हम राधेश्याम जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, ये पीपल हेला मंडल के अध्यक्ष हैं और भाजपा का कार्य देखते हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से और हमारे चैनल के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे त्रिवेणी घाट को लेकर, क्योंकि इलाहाबाद के बाद में यहाँ छोटा सा त्रिवेणी घाट है, जो लोग आंवली घाट नहीं जाते हैं, उज्जैन नहीं जाते हैं और यहाँ अम्मा को और पूनम और चौदस को स्नान करने के लिए आते हैं, ऐसा सा और उनके पीपल हेला मंडल के अंतर्गत है। बोलिए भगवान महाकालेश्वर की जय। हमारे सम्मानीय सरपंच साहब चंद्र सिंह जी, यहाँ के पटेल साहब, सम्मानीय हमारे दादा दरबार जी और समिति के सभी सदस्यगण, साथ ही जो यहाँ पर आसपास के कलायती, राजपुरा, बख्तारपुरा, गेहूँखेड़ी के
यहाँ पर श्रद्धालु जन क्षेत्रवासी इनका विशेष यहाँ पर सहयोग रहता है। ये त्रिवेणी संगम में यहाँ पर तीन नदियाँ मतलब छोटे छोटे खाल है लेकिन तीन खाल एक साथ मिले हैं और यहाँ पर कई वर्षों पुराना भगवान शिवालय मंदिर है। उसी के साथ में ग्रामीण जनों के द्वारा श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर शनि मंदिर का निर्माण किया गया, हनुमान जी के मंदिर का निर्माण किया गया और यहाँ पर स्नान करने का विशेष महत्व है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु जन अपनी पूर्ण श्रद्धा पूर्वक वो कामना करते हैं उनकी भगवान यहाँ पर इच्छा पूरी करते हैं। साथ ही यहाँ पर हमेशा एक वर्ष में एक बार यज्ञ होता है और इस शिवरात्रि पर तो विशेष यहाँ पर आयोजन रखा जाता है और यहाँ पर जो श्रद्धालु जो भी मनोकामना करते हैं शनि भगवान यहाँ पर उनकी पूर्ण करते हैं, ऐसा मेरा कहना है। साथ ही आज हमारे सम्मानी जनपद के अध्यक्ष जगदीश जी गुर्जर जी और उनके द्वारा 8 लाख रुपए का घाट निर्माण की घोषणा की गई है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के हमारे सरपंच साहब चंद्र सिंह जी, उधर पनाली के सरपंच साहब और सारे ग्रामीण जनों के माध्यम से ये शुभ कार्य हुआ, मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। अभी हम समिति के सदस्यों से भी चर्चा करना चाहेंगे कि वो मीडिया के माध्यम से हमारे क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। भाजी अपना नाम बताए और समिति के। मेरा नाम जीतमल पटेल, ग्राम रलायती का रहने वाला हूँ। न्याय भोले की कृपा से नारिया खाल त्रिवेणी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। न्याय भोलेनाथ के न्याय जो भी मनोकामना लेके आता है भगवान भोलेनाथ उनकी पूरी करता है। भोलेनाथ की कृपा से शनिदेव मंदिर निर्माण हुआ, शनिदेव और भोलेनाथ की कृपा से पंचमुखी हनुमान जी महाराज की स्थापना हुई और बहुत धार्मिक कार्य साल भर में 3-4 बार त्रिवेणी धाम पर होता है। समस्त क्षेत्रवासी बंधुओं का बहुत बहुत बड़ा सहयोग है और हमारे 3 गांव से बीघा की हो गई है आसपास से इच्छा खुशी से आती है, मतलब जो है कहने के 1 लाख से ऊपर आसपास के क्षेत्र से हो गई आती है, वो सब निर्माण कार्य में लगती है और नया उत्सव 3 बार मनाया जाता है। 1 जनवरी का नए वर्ष का भंडारा, 2 महाशिवरात्रि, 3 गंगा दशमी को हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन, ऐसे 3-4 कार्यक्रम और अभी हमारे समाज रोहेला समाज का सम्मेलन भी होने जा रहा है 21 अप्रैल को और इसके बाद में आज हमारे बड़े सौभाग्य की बात है भोले की कृपा से हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जसमन भाई साहब और उनके जगदीश भाई साहब जनपद अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जसमन भाई साहब दोनों भाइयों की फुल मेहनत कोशिश से 8 लाख का घाट की मंजूरी करके आज भूमि पूजन किया गया है। भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी करे, बोले की भोज करे। आगे भी ऐसे धार्मिक कार्यक्रम चलते रहे, मीडिया के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाते रहे। मैडम जी से भी पूछ यहाँ की जगह त्रिवेणी घाट को लेकर और महिलाओं को आस्था और विश्वास से जोड़ने के लिए भोलेनाथ की त्रिवेणी धाम की मैं तो बचपन से यहाँ से जुड़ी हूँ और जब से देख रही हूँ धीरे धीरे सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।